उत्तर प्रदेश की तहसील बक्सी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत माधवपुर प्रधान पद की भावी प्रत्याशी मीना रावत की ओर से सभी क्षेत्रवासी व देशवासियों व ग्राम पंचायत वासियों को होली बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। नेता नहीं बेटी चुने, प्रधान पद की प्रत्याशी मीना रावत ग्राम पंचायत माधवपुर प्रधान पति सुरेश। इस समय खड़े लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी थाना इटौंजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत माधवपुर में हमारे साथ में माधवपुर की भावी प्रत्याशी मीना रावत जी हैं। आइए हम इनसे बात करवाते हैं, जानकारी करवाते हैं, क्या कहना चाह रही हैं अपनी जनता के लिए। जी क्या नाम लिखती हैं? जी मेरा नाम मीना रावत है। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? माधवपुर। जी माधवपुर की भावी प्रत्याशी है प्रधान पद। जी आपकी बार आप फर्स्ट टाइम आ रही है जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप जनता के लिए? मैं जनता से यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। मेरे लिए बड़ा और छोटा कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए सब भाई बहन एक समान है। ठीक, एक बार मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए, बस जनता से मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाह रही हूँ। जैसे कि गरीब आदमी, गरीब जनता जो भी छोटा हो या बड़ा, अपना एक एक अमूल्य वोट देकर अगर आपको मैदान में लेकर आ रही है जिताकर, तो आप जनता के प्रति क्या करना चाहेंगे? मैं जनता के लिए जी जान लगा करके सेवा करना चाह रही हूँ। जी जी, एक बार हमको सेवा का अवसर दिया जाए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूंगी। जनता खुद मुझे इतना खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, तो मुझे वोट मांगने का अवसर नहीं मिलेगा। काफी विकास करना चाह रही हूँ। जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एक बार मुझे सेवा करने का अवसर दिया जाए। मीना रावत जी, जैसे कि मीना रावत जी ने बताया कि एक बार मुझे सेवा का मौका दिया जाए और फिर जनता खुद ही जान जाएगी कि हम विकास करेंगे कि नहीं। उन्होंने विकास का वादा किया है, इसलिए उनको एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। केबीपीएन न्यूज चैनल से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।